देखिए, मैं ये कहूँगा, अगर मैं एज अ व्यूअर बात करूँ तो बायसनेस की बात हो तो इस बात में आप कह सकते हैं बायसनेस है कि उनकी अलग से कॉफ़ी आती है। देखिए, मुझे लगता है कि डेफिनेटली ये गेम में एडवांटेज लेकर आएंगे क्योंकि सबका खेलने का तरीका अलग होता है। पर ऑफ कोर्स पहली बात ईशा, बट आई ऑल्सो सी विवियन एंड इट ऑल्सो कुड बी अविनाश। माई नेम इज रुद्राक्ष एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन टेलीबाइट्स। वेलकम टू टेलीबाइट्स। ईशा को काफ़ी हाई और सपोर्ट करोगे, लेकिन कैसा लग रहा है उनका गेम जब वो गई बिग बॉस में? अचानक से हम भी शॉक हो गए क्योंकि उनका नाम आ रहा था और सडनली उनको बिग बॉस में नहीं देखा। कैसा लग रहा है अभी तक का उनका सफ़र, आप देख रहे हो कैसा आपको? ऑनेस्टली बताऊँ तो एज अ व्यूअर भी एंड एज अ भाई भी मुझे उनका गेम टॉप नॉच लग रहा है। वेदर इट्स अबाउट रिलेशंस, वेदर इट्स अबाउट हर क्लैरिटी एंड बोल्डनेस, नॉमिनेशंस की बात आती है तो उधर पे भी अपना क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू रखती हैं। एंड अगर इन सारे फैक्टर्स को हटा दें तो अपना भी गेम खेल रही हैं मुझे लगता है। एंड मेरे ख्याल से वो वन ऑफ द ओनली कंटेस्टेंट्स हैं जो उस ग्रुप में जो मतलब इतने स्ट्रांगली रिलेशंस निभा रही हैं, तो मुझे लगता है उनका बहुत स्ट्रांग पॉइंट है एंड ऐसे ही जाना चाहिए उनको। जैसे अभी हमने घर में देखा बिग बॉस इज ऑल अबाउट रिश्ता बनाते हैं, अपना पर्सनालिटी दिखाते हैं कि वो कैसे है असल जिंदगी में वो बताते हैं। तो जैसे हमने बिग बॉस में देखा वो इंग्लिश में बहुत बात करते हैं, बिग बॉस ने उन्हें चिल्लाया डांटा भी था, तो घर में क्या वो हिंदी में बात नहीं करती है क्या है? क्योंकि वो हिंदी में बात करने के लिए उनको वहाँ पे थोड़ा ऐसा लग रहा है तकलीफ हो रहा है, क्या कहना? जी जी, वो मैंने पूरी क्लिप देखी थी। सो द रीज़न बिहाइंड दिस वो भी दूंगा मैं। हम लोग बात हिंदी में ही करते हैं घर में, वो कभी कभार इंग्लिश में भी करती है, पर मेनली वो हिंदी में ही करती है। हमारी मम्मी, मेरे पापा, मैं, बहन, हम लोग जो साथ में रहते हैं सब हिंदी में बात करते हैं। बट उस घर में सर्कमस्टांसेस ऐसे बन जाते हैं कि आदमी कभी बार मजबूर हो जाता है कि वो अनयूजुअल वे में रिएक्ट करे, क्योंकि तब राशन के इशू हो रहा था एंड वो 3 दिन से भूखी थी। एंड अगर 3 दिन से कोई इंसान भूखा है, उसके ऊपर से आपके ऊपर इतने स्ट्रेसर्स हैं, उसके ऊपर से इतने सर्कमस्टांसेस ऊपर नीचे हैं, आपको पता है इतने लोग देख रहे हैं और आपको भूख भी लग रही है पर आप कर नहीं सकते, आप किसी को कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते, आपके सारे के सारे डोपामिन सोर्सेज छिन चुके हैं आपसे, चाहे वो आपका फ़ोन हो, चाहे वो म्यूज़िक हो, चाहे वो मूवीज़ हो, सब कुछ छिन गया है, आपका खाने का छिन गया है, तो और उसके ऊपर से कोई कमांडिंग वॉइस आकर आपको बोले कि आप ऐसे नहीं ऐसे बात करो, तो इंसान काफ़ी बार इमोशंस उसके एम्पलीफाई होकर बाहर आते हैं। तो आई थिंक दैट वॉज वेरी नेचुरल एंड दैट वॉज वेरी ह्यूमन, तो उसमें कुछ गलत नहीं था। एंड उस घर में ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिसकी वजह से इंसान एग्रेसिवली रिएक्ट कर जाता है। ईशा ने रिश्ते बनाए हैं घर में और yes. जो भी अब तक हम देख रहे हैं कि स्टार्टिंग में देख रहे थे कि सब कह रहे थे गेम के लिए कर रहे हैं, लेकिन अविनाश एलिस के साथ जो उनका तिगड़ा बना हुआ है, कैसा लग रहा है आपको उनकी दोस्ती, तीनों की जो भी नोकझोंक होती है एलिस के साथ भी होती है, अविनाश के साथ भी होती है, ओवरऑल आपको कैसा लग रहा है? मुझे तो देख के बहुत अच्छा लग रहा है, बिकॉज आई फील उनकी स्ट्रेंथ ही वो है। सबकी स्ट्रेंथ है उस घर में अपनी अपनी, कोई कोई कुछ ज़्यादा ही लड़ाई कर लेता है, लड़ाई मैं ये नहीं बोलूँगा कोई नेगेटिव चीज़ है अगर आप सही मुद्दों पे कर रहे हो, पर अगर उनमें ये क्वालिटी है कि वो अपने रिश्ते निभा रही हैं, अगर वो तीन जो लोग बैठे हुए हैं उनके साथ, एलिस, वो, अविनाश एंड इवन विवियन नाउ, तो अगर वो उनसे अच्छा बॉन्ड बना सकती हैं, अगर वो उनको ये अश्योरिटी दे सकती हैं कि वी आर टुगेदर, हम लोग साथ में खड़े हैं, चाहे वो अप्स हो या फिर डाउन्स हो, कोई भी जर्नी में हो, तो मुझे लगता है कि उससे अच्छी चीज़ नहीं हो सकती। ये हमने देखा है जब कोई घर में आता है, जैसे वाइल्ड कार्ड आते हैं या अभी भी रिसेंटली जो 3 वाइल्ड कार्ड आए हैं, अविनाश है, अविनाश उनसे जाके बात करता है, ईशा नहीं करती है, ईशा एलिस देखते हैं दूर से कि अविनाश बात कर रहा है। आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं ईशा को भी जाके इंडिविजुअल बात करना चाहिए, अपना गेम समझना, इंसान को समझना कि वो इंसान कैसा है, क्योंकि अविनाश वो चीज़ कर रहा है राइट, और इसकी वजह से ईशा थोड़ी वीक दिख रही है, क्या लगता है? रही बात ग्रुप में रहकर छुप जाने की या फिर होल्ड बैक करने की या फिर वाइल्ड कार्ड से बात ना करने की, तो मैं बस ये कहना चाहूँगा कि वो सबकी नहीं है, उनको पता है कि मुझे जो जो लोग पसंद है मैं उनसे ही बात करूँगी, मुझे पता है कि मेरे गेम में डिसएडवांटेज आएगा अगर मैं दूसरे लोगों से बात नहीं करूँगी, बट आई विल बी ट्रू टू माई सेल्फ, मेरे को पता है कि मेरे दिल में इन लोगों के लिए जगह है तो मैं इनसे बात करूँगी और इनसे अपनी ओपिनियन शेयर करूँगी। बात रही वाइल्ड कार्ड से बात करने की, उनकी यामिनी जी से बात हुई थी, उनकी मेरे ख्याल से ईडन से भी बात हुई थी एंड ईडन ने उनकी तारीफ भी करी थी, बट जब बात रहती है कि बाकी जगह पर वो इन्वॉल्व नहीं होती खुलकर, जैसे विवियन हर जगह पर इन्वॉल्व होते हैं और उस ग्रुप में भी रहते हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि उनका अपना गेम प्लान है और पर्सपेक्टिव है, क्योंकि वो ट्रूली उन लोगों पे विश्वास करती हैं एंड वो ऐसी हैं कि
चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक सामने वाला उनको धोखा नहीं देगा वो कभी बैक ऑफ नहीं करेंगे, चाहे वो रजत वाले रिश्ते में हुआ हो। हो सकता है रजत का खुद का गेम प्लान हो, सबका अपना अपना गेम प्लान होता है। मैं रजत को गलत नहीं बोल रहा, ना ही मैं अविनाश को या ना ही विवियन को बोल रहा हूँ कि वो उधर उधर बात करते हैं, पर उनकी एक प्रायोरिटी है कि मैं इन ग्रुप के साथ रहूँ, इनसे बात करूँ, क्योंकि मेरी बाकियों से नहीं बनती। क्योंकि क्यों झूठे रिश्ते दूसरों से बनाना जब आपकी अपने ही ग्रुप से इतनी अच्छी बन रही है, राइट? कहीं ना कहीं ऐसा लगता है आपको एलिस के साथ थोड़ा उसका मतलब ईशा का हाँ मिसकम्युनिकेशन हो जाता है, क्योंकि हम देखते बीच बीच में एलिस उसे समझती नहीं है, जो भी हमने बाथरूम में भी देखा था कि अविनाश और ईशा बात कर रहे कि एलिस की उन दोनों की बात नहीं सुनती है। क्या लगता है आपको एलिस कैसी है, उसका उनका गेम कैसा लग रहा है? देखिए मैं ये कहूँगा कि कभी कभार इन लोगों के बीच में मिसकम्युनिकेशन हो जाता है, उसकी वजह से काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो जाते हैं इन दोनों के बीच में, कि मेरा कहने का ये मतलब था, मेरे कहने का ये मतलब था, एंड काफ़ी बार ये दोनों एक दूसरे से ऑफेंड भी हो जाते हैं। हाँ आर्ग्यूमेंट हुआ, कभी दीदी ने कोई जोक मारा एंड मार दिया तो उस पर गुस्सा हो गई, तो मैं कहूँगा कि उसमें कोई गलत नहीं है, एज़ लॉन्ग एज इन लोगों की क्लैरिटी है कि सामने वाले को हर्ट हुआ है और वो अपोलोजाइज कर लेते हैं, क्योंकि हर इंसान का टॉलरेंस लेवल अलग होता है। हो सकता है कोई जोक मैं ले सकूं और कोई सामने वाला ना ले सके, तो जब वो एक कोऑपरेशन होता है ग्रुप में और वो रहता है एक बॉन्ड रहता है कि किसी को कोई चीज़ अच्छी ना लगे और फिर उसको सुधार करना, आई थिंक वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। बाकी ग्रुप्स में मैंने क्या देखा है कि वो एक दूसरे की तारीफ़ करते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, एंड एट द एंड ऑफ द डे वो खुद को ही नॉमिनेट कर देते हैं अपने ग्रुप से, पर वो उस ग्रुप में नहीं होता। अगर इनके ग्रुप में कॉन्फ्लिक्ट भी होता है तो वो अपने आप ही सॉल्व करके उस चीज़ को दबा देते हैं, एग्जैक्टली। हाँ एग्जैक्टली। तो एक चीज ये भी देखा है कि ईशा के रिश्ते पे भी सवाल उठाया गया अविनाश को लेकर, जैसे समझ रहे हैं कि उनके साथ उनका कुछ दोस्ती से ज्यादा है। yeah. आपको क्या लगता है ईशा कैसी है, ईशा जिस हिसाब से वो घर में रह रही है अविनाश के साथ, yeah. चाहे वो बैठ के बातें कर रही है या जो भी क्लोजनेस होते हैं फ्रेंड के, क्योंकि घर में इतने लोग हैं तो किसी के साथ तो अपनी वो बनाना ही है। क्या लग रहा है, दोस्ती से ज्यादा लग रहा है या फ्रेंड? या सो आई टेल यू वन थिंग वेरी ऑनेस्टली, मुझे लगता है कि मेरी बहन ना कभी भी दोस्ती करती है तो जेंडर देख के नहीं करती कि आई हैव टू ट्रीट हिम दिस वे एंड आई हैव टू ट्रीट हर दिस वे बिकॉज ही इज़ अ बॉय एंड ही इज़ अ गर्ल, सॉरी शी इज़ अ गर्ल। सो उसमें ये कई बार टीवी पर ऐसा दिखता है या फिर कई बार लोगों के परसेप्शन में ऐसा आता है कि अविनाश से इतना क्लोज़ हो रही है जैसे एलिस से भी क्लोज़ है ऑलरेडी, गले में हाथ डाला हुआ है, साथ में लेटे हुए हैं या फिर मस्ती कर रहे हैं, तो वो ऐसे परसेप्शन बनता है ऑटोमेटिकली, विच इज़ नॉट अ बैड थिंग, क्योंकि लोग हैं, अब अजम्पशंस तो बनेंगे, प्री कंसीव नोशंस भी बनेंगे उस घर में, तो वो अपने आप ही ऐसा दिखता है कि शायद ये लोग थोड़े क्लोज़ हो रहे हैं, दोस्ती से ज़्यादा हो रहे हैं। बट माई सिस्टर इज़ वेरी क्लियर वेन शी सेटिंग हर बाउंड्रीज, सो मुझे लगता है कि उनका रिश्ता बहुत क्लियर है कि वो बहुत अच्छे दोस्त हैं, जैसे एलिस भी बहुत अच्छी दोस्त है, पर जब दो अलग जेंडर्स के एक्टर्स या फिर कोई भी स्क्रीन पर दिखते हैं तो अपने आप ही लोग उनको शिप करते हैं, विच इज़ वेरी नेचुरल, पर मेरे हिसाब से वो लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं। स्टार्टिंग में हमने देखा था रजत के साथ थोड़ा वो बॉन्ड बनाने की कोशिश करी थी, रजत भाई करके yeah. लेकिन रजत जिस हिसाब से उनसे देखी वो उनसे नहीं सबसे करते हैं, हाँ. का जो द वे ऑफ टॉकिंग ही द वे ही स्पीक राइट काफी अलग है, हाँ. क्या लगता है रजत के साथ उनको पर्सनली ऐसा बॉन्ड बनाना चाहिए, क्योंकि उनकी तरफ से वैसा नहीं आता है, जैसे वो कुछ एक्सप्लेन करने जाती है तो वो रजत नहीं सुनते, अभी भी पिछले एपिसोड में रजत को समझाने की कोशिश कर रजत भाई ऐसा लेकिन वो नहीं समझते, क्या लगता है? सी मैं ये कहूँगा कि मेरी बहन ने कोई भी रिश्ता निभाया तो उसको अपना 100% दिया है, जब तक सामने से वो एनर्जी उनको वापस नहीं मिली जो रजत के उसमें नहीं मिली, मेरी बहन ने उसको भाई बड़ा भाई का दर्जा दिया था एंड वो काफ़ी अच्छा चला भी था, काफ़ी केयर भी करता था, कुछ चाय बना के ला रहा है, कुछ कर रहा है, वो दिखता भी था स्क्रीन पे एंड वो बहुत अच्छा भी लगता था देख के। बट फिर जब ये बात हो गई कि आप किसी को बहन बुला रहे हो और बहन बुलाने के बावजूद आप उसकी पीठ पीछे प्लानिंग कर रहे हो उसको घर से निकालने के लिए, तो दैट इज़ नॉट फेयर। सो वो ऑफकोर्स देख कर वो हर्ट हुई एंड दैट इज़ ऑल्सो फेयर, कि मतलब वो हर्ट कोई भी हर्ट होगा उनकी जगह कोई भी होगा। सो मुझे लगता है कि रजत भी उसमें गलत है, 100% गलत है, पर मुझे लगता है कि वो दिल का साफ इंसान है और उसके अंदर मेरी बहन के लिए सॉफ्ट स्पॉट है, पर वो कभी कभार इन द हीट ऑफ द मोमेंट ऐसी चीज़ें बोल जाता है जो उसको बाद में गिल्ट होता है जो बोलकर, तो मुझे लगता है वो अपने आप को इम्प्रूव कर सकता है। बट एज़ फॉर दिस शो आई थिंक उससे वापस से वो बॉन्ड बनाना थोड़ा बुरा हो सकता है, क्योंकि कभी कभार वो अपने वैल्यूज़ भूल जाते हैं और कभी कभार वो आउट ऑफ द हीट एंड इन द हीट ऑफ द मोमेंट वो गलत डिसीजंस ले लेते हैं। आपको क्या लगता है, जैसे हमने देखा इसी के बीच दिग्विजय भी उनके साथ बातचीत करने उन्हें जानने की कोशिश कर रहे हैं, उनके साथ जो थोड़ा नोक जो हमें दिख रहा है ऐसा लग रहा है दिग्विजय,
बहुत अच्छा लग रहा है, वो थोड़ा सरकाज़म जो एक्सचेंज होता रहता है बहुत अच्छा है। दिग्विजय अगर खुद इनिशिएटिव लेकर बहन से, मेरी बहन से बात करना चाह रहा है एंड एक बॉन्ड बनाना चाह रहा है, लाइक अविनाश का है, जैसे एलिस का है, एक दोस्ती बनाना चाह रहा है बिकॉज इफ़ ही लाइक्स हर एज अ पर्सन, देन देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, और देख के भी अच्छा लगता है। इनके ग्रुप में विवेन अभी एड ऑन हो गए हैं, लेकिन आपको नहीं लगता है सारे कंटेस्टेंट के लिए थोड़ा डिसएडवांटेज हो गया क्योंकि उन्हें ऑलरेडी लाडला कह दिया गया है? हाँ, और जैसे एकता मैम आई थी तो उनको बताया भी था कि आप लाडला हो तो इसका मतलब नहीं कि आप ज़्यादा, तो क्या लगता है कि उन्हें वो मतलब ठीक से गेम खेल रहे हैं या उन्हें उस चीज़ का ईगो आ गया है जिस हिसाब से वो करते हैं? लेकिन ईशा के लिए भी स्टैंड नहीं लेते हुए हमने देखा है, वो सिर्फ अपना रिश्ता बना रहे हैं हर जगह जाके, और उन्हें कहते हैं कि हम है उनके साथ है, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है गेम में, क्या लगता है? देखिए मैं ये कहूँगा, अगर मैं एज अ व्यूअर बात करूँ तो बायसनेस की बात हो तो इस बात में आप कह सकते हैं बायसनेस है कि उनकी अलग से कॉफ़ी आती है और बाकी लोगों की नहीं आती है, एंड राशन में कई लोगों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, वेराज उनकी अलग से एक सिलेक्टेड ब्रांड की कॉफ़ी आती है, उसमें आप कह सकते हो। पर अगर आप मुझे ये बोल रहे हो कि उनका इन गेम एडवांटेज भी है बहुत ज़्यादा क्योंकि बिग बॉस उनको फेवर कर रहे हैं, तो मैं उस चीज़ को मना करूँगा, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो टाइम गॉड में जब करणवीर एंड विवियन के बीच में कॉन्टेस्ट हुआ था तो शिल्पा के हाथ में वो डिसीजन नहीं देते, बिग बॉस उसको अपने उस टास्क को अपने अंडर कंट्रोल में ही रखते, तो वो विवियन की वो क्वालिटी ही है कि वो इतना लीडरशिप क्वालिटीज़ इंक्लाइन करता है कि जानबूझ के लोग उसको फेवर करते हैं, एंड जब उसकी जो स्ट्रेंथ है वो उसके लाडले वाले टैग से मिक्स होकर आती है तो लोगों को लगता है बिग बॉस उसकी तरफ बायस हो रहे हैं, विच इज़ सिंपली नॉट ट्रू। बात रही कि मेरी बहन का स्टैंड नहीं लेता विविन, तो आई डोंट थिंक दैट्स ट्रू बिकॉज अभी लास्ट जो टास्क हुआ जिसमें ये लोग टॉर्चर वाला वो था, तो विवियन ने सारा टॉर्चर झेला एंड उसके बाद उसको पता था कि वो शायद ना बन पाए, और तो उसने टॉर्चर सहने के बाद भी ईशा एंड एलिस को वो मौका दिया कि तुम लोग आ जाओ, पूरा सफ़र करने के बाद उसको पता था इन लोगों को अब सफ़र करना नहीं पड़ेगा बिकॉज टाइम इज़ ऑलमोस्ट ओवर, एंड वो ड्रॉप करके अगर उसने इतनी बड़ी पोस्ट गवाई तो आई थिंक दैट रियली सेज समथिंग। तो आपको क्या लगता है विवेन ये ग्रुप के लिए एडवांटेज हो सकता है, क्योंकि विवेन एक ऐसे है जो जैसे अभी अविनाश है उनका हमने देखा है नेचर, वो सबसे झगड़ा कर लेते हैं, राइट, हाँ, सबसे दुश्मनी कर लेते हैं, ईशा भी उनके साथ ही क्योंकि हाँ फ्रेंड है तो उनके साथ ही रहना है, yes. जो भी है जैसे तीनों जन, लेकिन ये जो हाल ही में जो एड ऑन हुआ है विवेन का, क्या लगता है वो एडवांटेज हो सकता है ये ग्रुप के लिए क्या नहीं, क्योंकि उनका सबसे रिश्ता अच्छा है, चाहे वो शिल्पा के साथ हो चाहे करणवीर के साथ हो, करणवीर के साथ भी वो जब अच्छे से बात करते हैं फिर जब वो मतलब उनके साथ जो भी बहस होती है फिर, लेकिन वो एक हो जाते हैं, उनकी जो थॉट प्रोसेस अपना ओपिनियन वो लोग देते हैं, आपको लगता है ये ग्रुप में एडवांटेज लेके आएंगे या दोबारा? देखिए मुझे लगता है कि डेफिनेटली ये गेम में एडवांटेज लेकर आएंगे क्योंकि सबका खेलने का तरीका अलग होता है। अविनाश का तरीका ये है कि सबको डोमिनेट करो, बाकी जितने भी घर वाले हो अपने ग्रुप को स्ट्रांग बनाकर रखो, अगर किसी से दुश्मनी है तो दुश्मनी है, एंड सेम वे मेरी बहन का भी वही सेम फैक्टर है कि हम ग्रुप हैं तो हमें किसी से बात करने की ज़रूरत ही नहीं है, अगर हम रिलेशन बना रहे हैं तो अच्छी बात है, पर हम लोग हमेशा एकजुट रहेंगे। वेराज विवियन का यह है कि वो इधर भी बात करेगा एंड बाकी उधर पे भी उसके रिलेशंस हैं, उसमें मुझे लगता है कोई इशू नहीं है बिकॉज वो विवियन उसको ऐसे देखता है कि अगर मैं इन लोगों से बात करूँगा तो फ्यूचर में हमारे ग्रुप को ही एडवांटेज मिलेगा, वो प्रायोरिटी में ग्रुप को ही रखता है। पर अगर उसके दूसरे रिलेशंस बन रहे हैं चाहे वो शिल्पा से हो करणवीर से हो, भले उसमें भी कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, तो वो ये देखता है कि उसका फ्यूचर एडवांटेज भी हमें ही मिलेगा। जैसे उसने वाइल्ड कार्ड से जाकर कन्वर्सेशन इनिशिएट करी कि आप हमारी तरफ आ सकती हो, उसकी ज़िम्मेदार मैं रहूँगा अगर अविनाश से कोई भी चीज़ होगी, तो मेरे ख्याल से वो चाहता है कि जो ग्रुप है उसका बेस स्ट्रांग हो, तो उसका एक अप्रोच अलग है, अविनाश की एक अप्रोच अलग है एंड मेरी बहन की अप्रोच भी सिमिलर है उससे, तो आई डोंट थिंक उसमें कुछ गलत है बिकॉज सब लोग एक ही चीज़ को प्रायोरिटाइज करके अगर उसके सपोर्ट में चलेंगे तो अच्छा ही होगा। बात करते हैं वाइल्ड कार्ड की, जो पिक वाइल्ड कार्ड आते ही बिग बॉस ने बोला जलने की बू आ रही है, जो भी है, और हमने एक क्यूट मोमेंट भी देखा, कशिश और वो दोनों एक भी हो गए, अब हम बहन है, जिस हिसाब से उनका बॉन्ड लग रहा है, और तीन वाइल्ड कार्ड की थॉट कैसा लग रहा है, मतलब आपको क्या लग रहा है तीनों के ऊपर, आपका क्या ओपिनियन? देखिए अभी तक मैंने जितना देखा है वाइल्ड कार्ड्स को, आई थिंक दे आर डूइंग वेल, जैसे ही वो आए गेम में थोड़ा स्पाइस आ गया एंड पीपल फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप्स आर एक्चुअली यू नो इनिशिएटिंग विद ईच अदर, तो सेम वे कशिश का भी एंड ईशा का भी थोड़ा सा वो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था जो घर में हो जाता है, जैसे मैंने बोला कि उस घर के सर्कमस्टांसेस बहुत अलग होते हैं, जब आपको इतने टाइट स्पेस में
इतने लोगों के साथ बहुत लिमिटेड चीज़ों के साथ रखा जाता है तो इंसान इरिटेटेड रहता है, तो उसमें अपने आप ही कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है, उसमें कुछ भी पर्सनल नहीं होता, वो सब कुछ हो जाता है नेचुरली। तो अगर इनका कशिश के साथ बॉन्ड बन गया तो इसका मतलब ये नहीं कि जो हुआ था वो फेक था या फिर ये लोग अब फेक कर रहे हैं, वो चीज़ें हो जाती हैं एंड दैट जस्ट मीन्स कि उनके बीच में इतना कुछ पर्सनल नहीं था, वो चीज़ें निकल जाती हैं तो अब वो वापस से साथ में आ गए हैं। वेयर एज इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द वाइल्ड कार्ड्स, आई थिंक दे आर डूइंग प्रीटी वेल, खासकर ईडन, वो भी काफ़ी एक्टिव हैं एंड दे आर डूइंग वेल। और उसके बाद भी इन लोगों के इन्वॉल्वमेंट ने क्या किया है कि पूरा घर एक तरह से इंटरेस्ट ले रहा है कि ये हमारे ग्रुप में आएंगे या उनके ग्रुप में जाएंगे, बिकॉज वो लोग ही हैं जिन्हें देखा है बाहर वो लोग कैसे दिख रहे हैं, जो लोग पहले से हैं उनको कोई आइडिया नहीं है कि कैसे क्या चल रहा है, तो इस चीज़ से वो काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो या हाँ हाँ राइट या मैं कहूँगा कि जब आप एक घर में हो, है ना, घर में क्या, मैं आपके बाहर की भी सिचुएशंस के बारे में बता दूंगा कि जब आप अपने दोस्तों के साथ बैठते हो, चार लोगों के साथ बैठते हो, तो आप लोग कोई बैठा हुआ है, कोई भी है आपके आसपास, या फिर आपका क्लासमेट ही हो गया कोई नया, और आपको कोई एक अनयूजुअल एक्टिविटी दिख रही है तो आप उस पर कमेंट करते हो, भाई ये देखना ये क्या कर रहा है, या फिर मजाक में बोल दो, सरकाज़म में आप पास कर देते हो कमेंट्स काफ़ी सारे बिना उसको ज़्यादा सोचे, तो मुझे नहीं लगता कि इट्स दैट बिग ऑफ अ डील, क्योंकि सब लोग अपने अपने एक प्री कंसीव्ड नोशंस बना लेते हैं और जब वो उसको एक्ट होते हुए देखते हैं तो वो बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है। एंड आई डोंट थिंक अजम्पशंस बनाना कोई गलत बात है, क्योंकि आप अपने ओपिनियंस दे रहे हो। अगर अजम्पशंस बनाना गलत बात है तो फिर तब भी गलत बात थी जब आरफीन ने अविनाश और ईशा के अमाउंट को बोला था कि इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है, जब करणवीर ने अविनाश और ईशा के बारे में बोला था कि इनके बीच में कुछ चल रहा है, इन लोगों ने नहीं बोला, उनने कुछ गलत नहीं किया ऐसा बोलकर, क्योंकि उनको लगा, है ना। एंड अजम्पशंस बनाना कोई गलत बात नहीं है, उनकी तरफ से भी कोई गलत बात नहीं थी, क्योंकि उनको फील हुआ, तो वैसे ही उनने भी एक सरकास्टिक वे में मेरी बहन ने वो चीज़ पास करी एंड मुझे नहीं लगता उस पर कुछ गलत था। सेम वे या आपकी मॉम के अंदर इमोशनल मोमेंट हुआ जो दोनों एक दूसरे को देख के रोने लगे, काफी इमोशनल एपिसोड था। अगर आपसे पूछूं, जैसे अगर आप ईशा को एक मैसेज देना चाहेंगे कि उनका गेम, क्योंकि फाइनली एंड ऑफ द डे आप एक इंडिविजुअली हो, भले आप रिश्ता निभा रहे हो, ग्रुप में हो, सही बात, सही बात, नहीं जा रहे, क्योंकि आज नहीं कल अविनाश भी खेलेंगे गेम, भी खेलेंगे, तो ईशा को आप क्या कहना चाहेंगे, कि क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ऑनेस्टली जब मेरी माँ गई थी बोलने, तो बेसिकली उन्होंने सब कुछ ही कवर कर दिया था जो बोलना था, कि अगर आप रिश्ते निभा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर अपने प्रॉमिसेस पे खड़े हो रहे हो तो वो भी बहुत अच्छी बात है, पर उसके बीच में आप अपनी खुद की जो पर्सनालिटी है, एक यूनिक पर्सनालिटी है, उसको दबा मत दो। एंड दैट इज़ ट्रू, जब से उन्होंने ये चीज़ बोली है तब से उनके गेम में काफ़ी इंप्रूवमेंट भी आया है। यस, उन्होंने काफ़ी अपनी बातें रखी, तो मुझे लगता है उसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट आया। एंड ये गेम है इंडिविजुअलिटी के बारे में, दैट इज़ ट्रू, बट ये गेम रियल होने के बारे में भी है। एंड अगर वो अपनी जो रियल सेल्फ है, जो उनका रियल सेल्फ है, अपने दिल को पहले रखता है, अपने इमोशंस को पहले रखता है, अगर वो रियल सेल्फ को सप्रेस करके सिर्फ गेम पे ध्यान देंगे तो मेरे ख्याल से वो तब भी कहीं ना कहीं खो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से जो अभी वो कर रही हैं, दोस्ती में भी हैं, और वो हमेशा निभाएंगी भी उसको एंड तक, और उसके साथ साथ अपना इंडिविजुअल जो गेम भी खेल रही हैं, जैसे अपन ने कल देखा, वो करती रहेंगी, तो इट्स बेस्ट। ऑनेस्टली मैं बोलूँ तो घर में कोई गलत नहीं है, क्योंकि सबके अपने अपने माइंड सेट हैं, अपने 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 अपनी स्ट्रैटेजीज़ हैं, एंड सब अपने अपने वे में खेल रहे हैं। हो सकता है कोई सोच कर आया हो कि मैं बॉन्ड्स नहीं बनाऊँगा, एंड उसी वे में वो एक्ट कर रहे हों। वेराज मेरी बहन जो है, उसको तो टाइम ही नहीं मिला स्ट्रैटेजी बनाने का, क्योंकि 24 आवर्स पहले उनको पता चला था कि वो घर में जाने वाली हैं, एंड वो चली गई हैं, उनके पास कोई भी दिमाग में स्ट्रैटेजी नहीं थी। तो जो वो एक्चुअल रियल लाइफ में है, वो ही उस घर में है, तो मुझे लगता है कि हाँ जी 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 मैं वही बता रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि सबके अपने अपनी स्ट्रैटेजीज़ हैं, तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि कोई पर्टिकुलर इंसान बहुत गलत है कि इसके साथ तुम मत करो। हो सकता है कि वो लोग बहुत अच्छे हो जाएं आगे चल के, अपने फ्यूचर तो देखा नहीं है, तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि एक इंसान ने जो पास में किया है उसको ही लेकर पकड़ कर, उसकी कंडीशनिंग को ही लेकर आप उसको आगे होकर जज करो। मुझे लगता है कि वो बॉन्ड वापस बना सकते हैं, चाहे वो रजत हो, चाहे वो चाहत हो, सबसे बना सकती हैं, पर वो कितना निभाएंगे वो अपने कंट्रोल में नहीं रहता। अपने कंट्रोल में क्या है कि आप अपनी तरफ से कितना 100% दे रहे हो। तो जो है उनको जो गट फीलिंग आती है कि मुझे इस इंसान से लगता है कि सेम मेरे को एनर्जी दे पाएगा वापस से, उनसे उनको रिश्ते बनाने चाहिए, और जो वो नहीं दे पाएगा वापस, उनसे उनको दूर रहना चाहिए। टॉप टू में किसे देखना चाहिए? ऑब्वियसली ईशा। या ईशा तो
आई थिंक आई सी अ लॉट ऑफ पीपल जो उसके हकदार हैं फिनाले में जाने के, जब सलमान के सर के साइड में खड़े हों और हाथ उठे. पर ऑफ कोर्स पहली बात ईशा, बट आई ऑल्सो सी विवियन एंड इट ऑल्सो कुड बी अविनाश. यस, इन दोनों में मैं देखता हूँ कि इनमें से कोई एक होगा. ईशा के फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे लास्टली? या क्या उन्हें सपोर्ट करिए, क्या मैसेज? सो आई वुड लाइक टू थैंक एवरी सिंगल वन ऑफ यू. मैं आपके पोस्ट पढ़ता हूँ, कमेंट्स पढ़ता हूँ, आपके फीडबैक सुनता हूँ, मैं सब कुछ देखता हूँ. आप जो जो कर रहे हो, आपका इतना अनकंडीशनल लव जो मेरी बहन की तरफ है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू. एंड प्लीज़ प्लीज़ कीप सपोर्टिंग. थैंक यू सो मच. इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू. माई नेम इज सुद्राक्ष एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन टेलीबाइट्स. For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.